Joke ke bawah. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. आप फरजाना है घर पर? जी? फरजाना है घर पर? हाँ जी. कौन कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? मैंने पाकिस्तान से कॉल कर रहा हूँ. हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं एहसन बोल रहा हूँ, एहसन चौधरी. फरजाना जी है, मेरी एक्चुअली जो है ना आंटी ने आपका नंबर दिया था. अच्छा. तो उन्होंने बताया था कि आप जो है यूके में रहती हैं. हाँ. मैं दरअसल वहां पर जो है ना आ रहा हूँ, तो मुझे जगह चाहिए जो है रहने के लिए. तो वहां वो कह रही थी कि शायद आप जो है किसी बंदे को जानती हैं वहां पर जो है जगह वगैरह जो है ढूंढ के दे सकती हैं. आपकी आंटी का नाम क्या है? हाँ जी, आपकी आंटी का नाम क्या है? फिरदौस. फिरदौस? मैं तो किसी फिरदौस को नहीं जानती हूँ. अच्छा, जी. आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? नहीं, मैं बताना पसंद नहीं करूंगी. आप गुजरात के रहने वाले हैं? जी नहीं. क्योंकि मेरे नानके जो है ना वो वहां से हैं, गुजरात से, वो जलालपुर चट्टा के. तो मेरे ख्याल से वहां से आपको जानती हैं. हाँ, लेकिन मैं तो वहाँ की हूँ नहीं. अच्छा, गुजरात की नहीं है? नहीं 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 अच्छा 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 नहीं. अच्छा 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 तो ये बात है. ना ही मुझे, ना मैं किसी फिरदौस, ना मैं किसी आंटी को जानती हूँ, ना ही मुझे पता है, और ना ही मैं यहाँ पे हूँ. मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता. हाउस वाइफ है तो वैसे आप जो है बता सकती हैं कि वहाँ पर कमरा मिलना मुश्किल है या जो है इजी है, मिल जाता है कमरा? नहीं नहीं मिल जाता है. आपके आसपास कहीं कमरा वमरा हो? नहीं, यहाँ तो नहीं है, क्योंकि ये तो टाउन है, ज्यादातर सिटीज में होता है. मैनचेस्टर सिटी में होगा यहाँ. अच्छा, इस तरह. तो आप लोग कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं ओल्डन. अच्छा अच्छा ओल्डन. जी. तो जॉब अब भी इजी मिल जाती है? डिपेंड है, आजकल तो जॉब नहीं है. आजकल जॉब नहीं है? नहीं नहीं अच्छा, बहुत मुश्किल. आजकल तो जिन लोगों की थी निकाल दिए हैं. अच्छा अच्छा तो वैसे आप जॉब करती हैं या आपके हस्बैंड? नहीं नहीं मैं हाउस नहीं वाइफ? हाउस वाइफ हूँ. अच्छा अच्छा बच्चे बच्चे हैं आपके? जी जी अच्छा अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? नो, ये बहुत पर्सनल डिटेल है, मैं नहीं. नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ जो है ना, समझता हूँ. वैसे जो है ना मैं पहले भी यूके आया, उस वक्त मैं जो है ना ईस्ट लंदन गया था. अच्छा अच्छा तो वहां से फिर मैं जो है 2 महीने बाद जो है ना पैसे पूरे करके पाकिस्तान चला गया था. तो अब मैं दोबारा आ रहा हूँ, लेकिन मेरा वहां पर कोई दोस्त वोस्त नहीं रहता. तो वो आंटी फिर दोस्त ने नंबर दिया था आपका. पता नहीं उन्हें वो कैसे जानती हैं या कैसे नंबर मिल गया. अच्छा अच्छा जी. तो ये मसला हो गया अब तो. जी. वैसे क्या नाम है, ये अच्छे एरिया में आप रहती हैं कि ये गांधी है जो पाकिस्तानियों वाला जैसे, वो ईस्ट लंदन में है? नहीं नहीं ओल्डम डिफरेंट है. अच्छा, कैसा ये एरिया? नॉर्थ, जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है वो डिफरेंट होता है. अच्छा, वहाँ पर देसी स्टोर वगैरह पास ही है? है कुछ जो एरियाज हैं, मतलब अपने लोगों के उनमें है. अच्छा फरजाना जी, ये एक और बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी. ये बताइए कि अगर मैं वहां पर आ जाऊं तो ऐसा कोई चक्कर है कि मेरी शादी हो जाए वहां पर पक्का होने के लिए? नहीं, ना ही मैं जानती हूँ किसी को, ना ही मैं इन मसलों में पढ़ना चाहती हूँ. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे लड़की ढूंढ के दें. मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहां पर जो, मैं वैसे पक्की शादी करना चाहता हूँ, ये नहीं कि जो है ना वो लड़की को 2 साल बाद छोड़ दूं. मुझे नहीं पता, ना ही हम लोगों को कोई ऐसा है. अच्छा, मालूम नहीं कुछ. आप लोग सॉरी, आपको वैसे किसी ने नंबर दे दिया, लेकिन मैं बिल्कुल इस बारे में मौजू नहीं हूँ. अच्छा, आप ट्राई करें किसी और को ढूंढने की. बात सुनिए जी. तो अगर जो है मैं आपको जो है 500 से 1000 pounds जो है 2 weeks के दे दूं? नहीं नहीं, पैसे मैटर ही करते हैं, बस हम इन मसलों में पढ़ने ही नहीं चाहते हैं. नहीं, मेरी इतनी है. नहीं नहीं, शादी के चक्कर में नहीं. अगर मैं आपको 500 से 1000 pounds दूं तो आप मुझे वीक से 2 weeks सिर्फ वहां रख लें, मैं फिर आके अपना बंदोबस्त कर लूंगा. नहीं नहीं, हम नहीं एकोमोडेशन कर सकते, हमारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है. हाँ बिल्कुल नहीं. छोटे किसी कोठरी में?
कोठरी में भी जगह दे देना तो छोटी नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बाहर से किसी को बात भी नहीं करते हैं, रखना तो एक दूर की बात है। अच्छा 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 तो आपके हस्बैंड कहाँ से हैं? यहीं पे हैं। नहीं मैंने कहा पाकिस्तान, लाहौर से हैं, पिंडी से हैं, कहाँ से हैं? नहीं मैं नहीं बताऊंगी। वो क्यों? सॉरी। नहीं कुछ नहीं होता। नहीं इधर तो मैसेज कुछ होगा या नहीं, लेकिन मैं नहीं दूंगी। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप वैसे ही। नहीं टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपसे बात कर कर। चले ठीक है फिर। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको? जी। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपकी आवाज जो है ना वो करीना की तरह लगती है मुझे। होगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चले बात सुने, एक और बात मैं आपको बताऊं। हेलो जी, बुरा मत मनाइएगा, मैं वैसे जो है ना अच्छे दोस्तों की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो है ना झूठ नहीं मैं बोल रहा, वैसे आपकी आवाज बहुत प्यारी है, और मेरी एक दोस्त थी वहाँ पर यूके में, उसके साथ भी आपकी आवाज बहुत मिलती है। ओके। तो प्लीज मेरा कुछ सोचें, जो है मैं मजबूरी में हूँ इस वक्त, बहुत मजबूर इंसान हूँ। प्लीज प्लीज सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा सा जो है मैं उधर वहाँ पर नहीं, 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 सॉरी आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारे घर इस वक्त मेहमान भी आए हुए हैं, और वैसे भी मैं इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहती, ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही मैं किसी को जानना चाहती हूँ। खाना वाना पकाया आपके घर तो मेहमान है, खाना वाना अच्छा पक्का होगा? आपका मतलब नहीं है? अच्छा वो तो सही बात है, मेरा मतलब नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बकाया भी है कि वैसे खाली पेट ही बेन है घर पर। नहीं चलो ठीक है ना। अच्छा बात तो सुन रहे हैं। हेलो।